हनुमान, तुम्हारी इस अटूट भक्ति के कारण ही तो तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए शब्द ही नहीं ढूंढ सका मैं। किन शब्दों से तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूं हनुमान? तुमने मेरे और संसार की सेवा में सजग रहकर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसे शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। प्रभु, आपका यह तुच्छ सेवक इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है। प्रभु, मैंने तो बस आपकी भक्ति और सेवा की है, और जो मैं सदैव करता रहूंगा। प्रभु, त्याग तो अंगद ने किया है, जो अपने पिता के वध के बाद भी माता सीता को ढूंढने निकल पड़े। प्रभु, त्याग तो महाराज सुग्रीव ने किया है, जो राज्य के सुखों को छोड़कर हमारे साथ सर्वत्र भटकते रहे। प्रभु, त्याग तो महाराज विभीषण ने किया है, जिन्होंने अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध किया। राज्य होते हुए भी स्वयं को सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखने का त्याग भरत भैया ने किया है। निद्रा और भोजन से वंचित रहकर 14 बरस तन्मयता से आपकी सेवा करने का त्याग तो लक्ष्मण भैया ने किया है। प्रभु, त्याग तो माता उर्मिला ने किया है, 14 वर्ष तक एक साध्वी के समान जीवन यापन कर त्याग तो तीनों माताओं ने किया है, जो इस दीर्घ अवधि के लिए अपने ममता से वंचित रही। प्रभु, माता सीता ने किया है त्याग, जिन्हें इस अवधि में राक्षसों के बीच रहना पड़ा। और प्रभु, त्याग तो स्वयं आपने किया है, माता से अपनी विरह की वेदना को झेला। प्रभु, इन सभी की तुलना में तो मेरी सेवा का कोई महत्व कहां है? प्रभु, तुम्हारी सेवा तो अनमोल है हनुमान, यहां पर सभी को
उनके त्याग के फल स्वरूप कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अंगद युवराज बने। महाराज सुग्रीव को एक मित्र की प्राप्ति हुई। महाराज विभीषण को धर्म पथ का अनुसरण करने के लिए लंका नगरी का राज्य मिला। भरत को उनकी इच्छा अनुसार राजा के रूप में भाई मिला। लक्ष्मण को पुनः भाभी माँ का आश्रय मिला। देवी सीता को उनके पति और मुझे अपनी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने जो कुछ भी किया, क्या प्राप्त करने के लिए किया? कुछ भी नहीं हनुमान। किसी भी लोभ मोह और कुछ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर तुमने ये सब कुछ किया हनुमान। मेरे लिए अपने राजपाट का त्याग किया, माता पिता का बिछोसा। हनुमान तुम्हारे निस्वार्थ भाव और सच्ची भक्ति के कारण ही तुम मुझसे जुड़े हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके लिए क्या दूं तुम्हें। क्या दूं हनुमान? सत्य है, ऐसे महान सेवक को कोई भला क्या दे सकता है। प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सदा के लिए अपने चरणों में स्थान दीजिए। राम से मांगी श्री हनुमाना, प्रभु निज चरण मह दो स्थाना। ना मांगी कपि भोग विलासा, एक बस पद्म चरण अभिलाषा। सिया राम सिया राम जय हनुमान। ऐसी भक्ति न देखी भाई, कपीश बैठी चरण रघुराई। दृश्य महान देखी सब जन जन, प्रभु चरण मह केसरी नंदन। मैं धन्य हूं हनुमान कि तुम मेरे चरणों के समीप हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरे और मेरी संपूर्ण सेना के संकट हरे, उसी प्रकार तुम सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट हरोगे, सभी के संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में कम। संकट मोचन नाम तिहारो, वाह वाह जग में हनुमान।
विभीषण महाबली हनुमान की, प्रभु श्री राजा राम की। हनुमान, श्री राम के दिए इस नाम से युग युगांतर तक जाने जाएंगे। जब भी किसी पर कोई संकट हावी होगा तो उसके निवारण के लिए मात्र इस नाम का स्मरण ही पर्याप्त होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ स्वामी, परंतु प्रतीत होता है कि माता सीता इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वो पुत्र हनुमान का धन्यवाद करने के लिए उसे और भी कुछ देना चाहती हैं। प्रभु और मेरी सेवा के लिए हनुमान को मात्र इतना ही प्राप्त हो, ये उचित नहीं। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम की चरण रज के तो तुम सदा से अधिकारी रहे हो, परंतु मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम द्वारा मुझे दिया गया ये दिव्य मोती उससे कंठहार के भी तुम ही उचित अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये भेंट करना चाहती हूँ पुत्र। क्या कर रहे हो तुम पुत्र? इतने अनमोल कंठहार को इस प्रकार खंडित क्यों कर दिया तुमने? माता, मैं यही परीक्षण कर रहा हूँ कि ये कंठहार अनमोल है भी या नहीं। पुत्र, स्वयं पवन देव ने स्वामी को दिया था, तो फिर इसके अनमोल होने में संदेह कैसा? माता, मुझे तो इसमें कुछ भी अनमोल नहीं लगा। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? क्या ये पवन देव और अन्य देवताओं का अनादर नहीं? क्या तुम मेरा मान भी नहीं रखोगे? माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। किसी का अनादर करना मेरा आशय नहीं था, किंतु मुझे यही ज्ञात हो गया है कि मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि माता, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें श्री राम न हो, वो भला मेरे लिए कैसे अनमोल हो सकती है? हाँ माता, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम नहीं, उससे मेरा कोई लगाव नहीं।
व्यर्थ है वो मेरे लिए। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? भैया राम किसी के भीतर कहां हो सकते हैं भला? क्यों नहीं हो सकते, मेरे भीतर हैं प्रभु श्री राम। तुम्हारे भीतर हैं श्री राम? हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे रोम रोम में हैं प्रभु श्री राम। जो वायु श्वास बनकर मेरे इस शरीर में प्रवाहित होती है उसमें है प्रभु श्री राम। मेरे स्वप्नों में है प्रभु श्री राम, मेरे तन के कण कण में है प्रभु श्री राम, और मेरे मन के प्रत्येक कोने में बसते हैं प्रभु श्री राम। भावावेश में कहा गया कथन सत्य से कहीं दूर है हनुमान। नहीं लक्ष्मण भैया, इस भक्त की भक्ति असत्य नहीं है। आप मेरी भक्ति पर संदेह मत कीजिए, मुझ जैसे राम भक्त का यही एकमात्र सत्य है, जो मैं अभी यही प्रमाणित कर सकता हूं, दिखा सकता हूं मैं आपको। क्या करने वाले हैं हनुमान जी? उनमें भैया का वास है, ये कैसे दिखाएंगे वो? अपनी भक्ति का मान रखने के लिए कुछ भी करेगा हनुमान, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करेगा हनुमान। भैया तो मेरे सामने हैं, फिर उनका हनुमान जी के भीतर होना कैसे संभव है? अब असंभव को संभव कैसे करेंगे हनुमान? स्वामी ये हनुमान क्या करने जा रहे हैं? जय जय श्री राम महाबलि हनुमान। जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम, जय हनुमान जय रघुवर राम। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान जी तो अपने वक्ष को ही चीर रहे हैं। मन हनुमंता राम विराजे, रोम रोम में राम ही छाजे, रोम रोम में राम ही छाजे, राम हृदय में बसे हनुमंता, राम नयन में हनुमत साजे, राम नयन।
जगत उधारी, नारायण है राम। संकट हारी असुर संहारी, रुद्रावतारी हनुमान। जय श्री राम बोलो जय हनुमान, जय श्री राम बोलो जय ईश्वर का वास होता है। आवश्यकता है केवल सच्ची भक्ति की।